तो भाई देखो हरियाणवी गाना है और हरियाणवी गाने में दो चीजें चलती है, एक तो हुक्का और एक हमारा देसी खाना। तो मुझे बताते हुए ना बहुत बुरा लग रहा है, मतलब सेट पे जो धोखा हुआ है ना हमारे साथ आज। पाल मैडम दो वैनिटी खरीदी हैं जिनकी लगभग वैल्यू है 5 करोड़। तो भाई अभी अभी गुलशन भाई से बात हो रही है, गुलशन भाई कह रहे हैं मेरी रेडी कर दो ऐसी। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और 6:30 बज गए भाई सुबह के, और गोलू पायल अभी सो रही है। मैंने नीचे कैरावन मंगवा दी है, उसमें 2 कंबल रखवा दिए हैं। इनको सीधा उठाता हूँ, गाड़ी में सुलाता हूँ, सीधा शूट पे लेके जाता हूँ। शूट यहाँ से नियर अबाउट 100 किलोमीटर है। तो हमने जितने हमारे लोग है ना, हमने ग्रुप बना रखे, हम ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, जिसका जो काम होता है वो सुन लेता है। तो मैंने बोला भाई उठ जाओ फटाफट, तैयार हो जाओ सारे। तो मैसेज आता सबसे पहले लक्ष्य का कि ये उठ गया, इसको भी लेके जाना। और ये आज क्या कर रहा था, उठ के ना अपने आप निप्पल पी रहा था, है ना, अपने आप निप्पल पी रहा था। यहाँ पर भाई पूरा इंतजाम कर दिया गोलू और पायल का, सीधा गाड़ी में बैठेंगी, सोएंगी और वहाँ उठेंगी। वहाँ भी तब उठाऊंगा उनको जब मुझे लगेगा ना शूट रेडी हो गया, और उससे पहले मेकअप करना है तब। तो यहाँ पर कृतिका मलिक भी उठ गई है। जब मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो ये भी एक ऐसी कलाकार थी जिसने लिखा मुझे हाँ जी। तो फिर मैंने इसको फोन किया पर्सनली, मैं तू सो जा भी, तू बत उठ, मैं सारी चीजें रेडी करवा लेता हूँ, जाके तुझे गाड़ी में भी सोना ही है ना। थोड़ी सी हाँ नींद पूरी, अभी गाड़ी में भी सोना है। ठीक है मैं कपड़े अपने चेंज कर लेती हूँ, वहाँ जाने मोटे कपड़े पहन लेती हूँ। हाँ ये देखो महारानी उठ गई है, बिना चप्पलों के बाहर आई है, इसको मैंने अभी चप्पल दी है। ध्यान रख ले भाई, बीमार हो गए ना बेटा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, फटाफट कपड़े पहन ले, गाड़ी नीचे रेडी है, कंबल कुंबल बिछा दिया उसमें, जाके सोना है तेरे को। ठीक है, जल्दी चल, बस रेडी हो गया। तो आज का जो गाना हम शूट करने जा रहे हैं ना, तो मुझे पूरा यकीन है जितने हमारे प्यार करने वाले हैं, ये वाला गाना पूरा इंडिया सुनने वाला है। अभी भी रील डाल रखी इंस्टाग्राम पे, पायल ने पिन कर रखा है, बहुत ही कमाल का गाना है, हरियाणवी डीजे सॉन्ग है, और इसमें मैं और गोलू पायल तीनों हैं। सोने का नाम नहीं ले रहा, सो रहा था लक्ष्य? हाँ सोया, पर रात को बड़ी मुश्किल से सोया। हाँ भाई बाहर ट्रैवल करके आया, 2-4 दिन घूम के आए ना बाहर, इसको लगता है भाई अब मुझे घर में घुटन हो गया। नहीं पूरा नाक मुँह छिल रहा था मेरा। हेलो मैडम, कुछ सिर पर ढकने का ले ले, कुछ चद्दर वद्दर ले ले, जा रहे खुले में शूट है वो। शॉल ले लेती हूँ मेरा। हाँ फैशन के चक्कर में बीमार हो जाओगे। टोपी ले लेती हूँ मेरी। ठीक है चले, चलो। देखो भाई इतनी फैसिलिटी, चाय पीते पीते मैडम घर से निकल रही है। चाय अच्छी बनी है। हाँ मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी है। गोलू ऐसे सेट पे जाइयो। ठीक है ठीक है। मेरे को नहीं आती शर्म। अच्छा और क्या, मैं अपना ठंड देखनी है, शर्म देखनी है। तो भाई सुबह सुबह निकल गए हैं, अगर बात की जाए तो 7:10 क्या रहेगा। गोलू फोन आ रहा है। किसका? लक्ष्य का। तो पीछे पायल कर रही है बेड सेट, उधर मैं कंबल पकड़ के खड़ी हूँ और सोएंगे आराम से, क्योंकि ना यहाँ से मैं काफी दूर जाना है। तो भाई आप लोग बोलेंगे कि मैं अपने पति की बार बार तारीफ करती रहती हूँ, तो तारीफ के काबिल है वो। देखो उन्होंने हमारी इतनी ज्यादा फैसिलिटी के लिए, कि हमें गाने के शूट पे जाना था तो उन्होंने कहा कि तंग नहीं होने चाहिए बच्चे बिल्कुल भी। पहले वो इतने ज्यादा ट्रेवल करके आए हैं, तो उन्होंने वापस से कैरावन में हमारा बिस्तर विस्तर लगवा दिया है, और कहते सोते हुए जाना, सोते हुए आना, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, काम भी करो एंजॉय भी करो और अपनी नींद भी पूरी करो। तो भैया आज हमारे साथ रेहान भी जा रहा है, मैंने सुबह सुबह उठा दिया था रेहान को, मैंने बोला भाई लड़के खड़ा हो जा और अब काम में थाम दे ले। तो आज से रेहान की ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करवा रहे हैं, हमारा छोटा भाई है, और साथ साथ सिंगिंग स्टार्ट करा रहे हैं। भाई सोते सोते हैं, पता नहीं लगा कब सेट पे पहुंच गए। थोड़े से अब जाके बाहर सिनेमैटिक एंजॉय करो, इतने में आधा पौना घंटा और सो जाता। तो भाई अभी भाई पहुंचे हैं और हरियाणा से पहुंचे हैं, ठंड है बहुत ज़्यादा, और आज हमारे साथ हमारे भाई हैं, बहुत ही जाने माने डायरेक्टर है हरियाणा के, बहुत ही खतरनाक। तो आज कुछ मज़ेदार शूट करेंगे बिल्कुल, और गाना भाई ये जो गाना है ये लगा लो कि पूरा इंडिया सुनने वाला है चंद दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, 5-10 दिनों, 5 दिन में पूरा इंडिया सुनने भी लग गया अभी से। सुनने लगे रहे। तो पायल गोलू सो रही है आराम से, तो अभी चाय वाय पीते हैं, शूट करते हैं स्टार्ट और चक देंगे फट्टे। तो भाई सर्दियों में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, चाय और पैसा। पैसा इनसे ले लेते हैं, दोनों ही निकी है। तो भाई पिछले गाने को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, मुझे लगता है ये जो गाना है ना ये धमाका उठने वाला है इसमें। और बस हम तो ये कहते हैं जो हमारा गुलशन भाई है ऐसे ही तरक्की करता रहे, ऐसे आगे जाता रहे और ऐसे हमसे गाने करवाता रहे। नहीं
सही बात। तो भाई देखो हरियाणवी गाना है और हरियाणवी गाने में दो चीजें चलते हैं, एक तो हुक्का और एक हमारा देसी खाना। तो यहाँ पर पूरी है, बढ़िया सी अचार है और जो मुझे पसंद है कर्ड। गुलशन भाई अभी गरम गरम मजेदार। तो चक देते काम और वेट एंड वॉच, गाना आने वाला भाई बहुत ही खतरनाक। डेट बता दो तो बता ही दो, गज का घूंघट वैसे तो पता ही इनको। गज का घूंघट है गाने का नाम और इसमें आपको हमारे दोनों धर्मपत्नी ने देखने को मिलेगी। और ये और बता दो दादा गाना कब है, आज ही बता। गाना एक ही डेट रख देते हैं, बता दो। आज तारीख हो गई 9, तो 3 दिन 15 हो कर दे। नहीं नहीं 12 को करेंगे, 13 को लोहड़ी भी नाचोगे तुम। 12 को गाना आ रहा है। 12 को सुबह कितने बजे? सुबह भाई 10 बजे 9 बजे 9 बजे दा। तो मुझे बताते हुए ना बहुत बुरा लग रहा है, मतलब सेट पे जो धोखा हुआ ना हमारे साथ आज, मुझे नहीं लगता कि दोबारा होगा ऐसा धोखा। नहीं नहीं 8 बजे बुलाया था हमें, 10:30 बज रहे हैं। ये तो चलो ऊपर वाले की थोड़ी मेहर है कि मैं कैरावन लेके आया, मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं। पर मेरे को ये लग रहा था कि भाई लेट होंगे, सर्दी का मौसम लग रहा है। टाइम के हम पूरे पंचुअल हैं, धोखा हुआ है हमारे साथ सेट पे। हमें 8 बजे बुला के 10:30 बजे तक खड़ा रखा इन्होंने, इसका हम अलग से चार्ज करेंगे। गोलू पाल को उठा देता हूँ, शूटिंग शुरू हो गई है, मेकअप स्टार्ट। तो हम मैडम जी को उठा लेते हैं, हम वहाँ से डिस्टर्ब नहीं करते, पता नहीं कौन सी निंद्रा में हो। हम यहाँ से गेट करते हैं। पाल मैडम कहाँ हो? पाल मैडम बहुत सारे लोग खड़े हैं बाहर, शक्ल तो दिखाओ अपनी। सो रहे हो भैया? वो देखो। हाँ जी, पूरे आनंद ले रहे हो? आजा पाल बाहर आजा। तो भाई अभी गुलशन भाई से बात हो रही है। गुलशन भाई कह रहे हैं एक मेरी रेडी कर दो ऐसी, क्योंकि आप पता ही है आजकल हम कैरावैन में भी डील कर रहे हैं। किसी को भी कैरावैन बनवानी हो, नीचे मेल आईडी है, मेरे मैनेजर का नंबर है, बहुत सारी डिटेल है, आप अपनी डिटेल भेज देना, हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी नींद हो गई है पूरी, अब मैं जा रही हूँ मेकअप कराने। और इतनी अच्छी नींद हुई है ना, बहुत प्यारी है। हम तो प्यारा सोई, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं और पायल तो कहीं भी सो जाते हैं, हम तो अलकाजर हो। कितने बजे पहुँच गए थे यहाँ पे? 8 बजे 2 घंटे से सो रहे हम। हैं पता नहीं चल रहा मुझे, लगा अभी सोई थी। टोपा लगा ले ठंडा पर। चलो गाइस हमारे साथ यहाँ की वैनिटी में मेकअप कराने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हूँ करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। वीडियो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कोई व्लॉग नहीं है, ये है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आप पीछे देख रहे होगे। दो बस है, तो ये बस नहीं है, ये है वैनिटी। हमारे कैरावैन के बाद अरमान जी ने सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो उन्होंने नया ये किया है, उन्होंने 2 वैनिटी खरीदी है जिनकी लगभग वैल्यू है 5 करोड़। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 5 करोड़। अब ये सोच रहे हो कि 5 करोड़ क्यों खर्च किए इन्होंने 2 वैनिटी में? तो हमने इसलिए खर्च किए कि जब भी हम टूर पे जाते हैं ना, तो हम तो सो जाते हैं अपनी कैरावैन में, पर हमारी जो टीम है वो बैठी रहती है ऐसे सुगड़ के गाड़ी में। तो उनकी फैसिलिटी के लिए हमने 2 वैनिटी ले ली है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, लेके चलती हूँ आपको अंदर। पहले आप बाहर से सिनेमैटिक देख लो हमारी वैनिटीज का। तो गाइस यहाँ से शुरू होती है, ये है एंट्रेंस, ये है गेट। गेट खोलने से पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ खुल जाती हैं, तो पहले हम चढ़ेंगे, गेट खोलेंगे। और रे थोड़ा टाइट है, तो दम लगाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं आजकल जिम नहीं कर रही हूँ, तो ना नहीं खोल रही हूँ मैं। खोलू खोलेगी, चलो शुक्र है गोलू की जिम करने सफल हुई, उसने गेट खोल दिया। चलो अंदर लेके चलते हैं आपको। तो भाई यहाँ से शुरू कर देते हैं, और यहाँ से शुरू करते ही हम इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फीलिंग आएगी हमारे हरियाणा के बैठक की। बैठक हो और हुक्का ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे हरियाणा की आन बान शान, हमारे बुजुर्गों का हुक्का पीना नहीं आता मुझे। यहाँ पे अरमान जी बैठ चुके हैं, और इसका जो है आनंद मैं लूंगी, क्योंकि आज मेरे गाने का शूट है, तो मैं कैरावैन में भी सो सकती हूँ और यहाँ पे भी लंबी लेट हो सकती हूँ। तो अरमान जी ने पूरा ध्यान रखा है, आते हुए भी जाते हुए भी बीच में रुकते हुए भी, कि लड़कियों को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना सोने में परेशानी होगी, पहले सो के दिखा इस पे कितना स्पेस है। हम 2 लोग सो सकते हैं एक साथ, ऐसे मैं सोचूंगी से गोलू सोचेगी। तो चीकू आज घर है, चीकू भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भैया प्यारी प्यारी खिड़कियां लगी हुई है, जिसमें आप ऊपर उठा के बाहर का दृश्य देख सकते हो, और उसके साथ यहाँ एसी का पूरा प्रबंध है, फॉल सीलिंग हो रखी है, लाइटिंग है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी इस वैनिटी में, कि टीवी है पीछे, अगर आप बोर होते तो आप टीवी देख सकते हो, और नीचे आपका स्पीकर, आप डांस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, गाना सुन सकते हो अपना। और ये काम करते हैं इसमें, अब अपना गाना चलाते हैं, चलाने से पहले हम पूरी वैनिटी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो कि बहुत सुंदर सा दृश्य आपको दिखेगा, यहाँ पे एक
पेड़ बना रखा है, पेड़ की शाखाएं और बर्ड्स बना रखा है कि आपको जो फील हो ना, फील हो कि आप घर में ही हो, और घर के बाहर बिल्कुल आप देखोगे तो खेत ही खेत है गाइस। टीवी के ऊपर देखो, पूरी डेकोरेशन देखो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप 50 गज के फ्लैट के अंदर ऐश कर रहे हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूजिक का पूरा प्रबंध है, यहाँ पे टेबल है, वहाँ पे स्पीकर है, और सबसे बड़ी बात जो खास बात है, आप ना नीचे का फर्श देख लो, वुड का है, कि आप साफ वुडन फ्लोरिंग है, बहुत आसान से साफ हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हाइट से बड़ा शीशा है, देख सकते हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, और शीशे में देख के कुछ चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बैठने के लिए दो चेयर है, टेबल है, अगर कुछ खाना है, कुछ चाय पानी तो आराम से कर दो। उसी के साथ साथ हम आपको थोड़ी सी आगे लेके जाते हैं, और ये वाला गेट बंद करते हैं क्योंकि बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है, हवाएं। उसके साथ साथ आप इधर आ जाओ, एक बहुत ही लार्ज यहाँ पे टॉयलेट है। तो वैसे ना यूजली वैनिटीज पे स्पेस नहीं होती खड़े होने की, बट सीरियसली ये जो वॉशरूम है ना इतना बड़ा है, इसमें आप आराम से रेडी भी हो सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो, इवन कभी जैसे गर्मियों का टाइम है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ गई तो आप आराम से शावर भी ले सकते हो। देखो कितना सारा स्पेस है, बहुत अच्छा वॉशरूम है, एकदम स्पेशियस, क्योंकि स्पेशियस वॉशरूम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। तो अभी मैं कर देती हूँ वॉशरूम के दरवाजे को बंद और आगे लेके चलती हूँ आपको वैनिटी का और चीजें दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे एंटर करने से पहले बहुत ही प्यारा सा झूमर हमने लगा रखा है इस वैनिटी की शोभा बढ़ाने के लिए। फिर ये एक गेट आ जाता है, पार्टीशन कर रखा है बैठक में, और इस बैठक में ये हमारी लेडीज की बैठक है, वो है जेंट्स की बैठक। तो यहाँ एंट्री करते ही आपको बहुत बड़ा सा मिरर दिखेगा, मिरर के साथ चेयर दिखेगी क्योंकि ये मिरर है हमारे मेकअप के लिए, यहाँ पे लाइट भी जलती है और मेकअप हुआ हमारा। उसके बाद आपको इस वॉल पे दिखेगा बहुत ही प्यारा सा एसी जो कि सबके घर में होता है, तो इस वैनिटी में होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वैनिटी गर्मी में यूज होगी और बहुत गर्म एरिया में भी यूज होगी, इसलिए हमने यहाँ पे एसी रखा हुआ है। यहाँ पे वॉल पे आपको तीन डिजाइन मिल जाएंगे पीओपी के, पूरी ऊपर फॉल सीलिंग में लाइट्स है बहुत ही प्यारी प्यारी, और यहाँ पे गोल्डन कलर का है ना हमने पार्टीशन कर रखा है, और बहुत ही प्यारा पार्टीशन है, यहाँ पे दिखा सकते हो आप। फिर यहाँ पे एक और गेट है जो कि आप यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं, यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। गोलू के बिल्कुल साथ में है एक बहुत ही प्यारी सी विंडो, इसे खोलेंगे तो बाहर का नजारा मिलेगा, और विंडो के पीछे यहाँ पे ना मतलब कि एक ड्रॉअर सा बना हुआ है, तो इसके अंदर हमारा माइक्रोवेव भी है और फ्रिज भी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है गर्मी सर्दी सबके अंदर। तो यहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हैं, सूटकेस रखते हैं, तो मतलब कि देखा जाए तो ना इस वैनिटी में बहुत ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए चीजें मिलती है, आप अपना बैग भी हैंग कर सकते हो, अपने कपड़े भी हैंग कर सकते हो, और ऊपर छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स लगाए हुए हैं। डेकोरेशन वाइज भी बहुत सुंदर लग रही है वैनिटी, और स्पेस वाइज भी। तो यहाँ पे आराम से एक सोफा है, मतलब यहाँ पे भी एक बंदा आराम से सो सकता है, पहले सो के दिखा दे चला एक बार, बैठ ले जा। तो भाई वैनिटी दिखाने का मकसद ये है, जो हमारे भाई हैं बहुत सारे जैसे ऐसी जगह से हैं जहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती, उनको दिखाने का मकसद है, और आप भी ऐसी चीजें आप बनवा सकते हो। बहुत सारे लोग ना बड़ी बड़ी मतलब 2-seater, 4-seater गाड़ियां लेते हैं, 2 seat होती है, और ये कहने पूरी फैमिली के लिए, आप आराम से कहीं भी घूम सकते हो, आराम कर सकते हो, आपकी होटल की जरूरत नहीं है। तो ये एक पीछे और टॉयलेट आ जाता है, ये भी बहुत ही एक प्राइवेट टॉयलेट है, और आप अंदर से देखोगे ना तो बहुत यूनिक सा लगेगा। तो गाइस ये वैनिटी जिस चीज के लिए आई है वो काम शुरू करते हैं, अपना मेकअप हेयर वगैरह करते हैं क्योंकि आज हमारे गाने का शूट। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना है। यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट आईडी आ रही है, उस आईडी को जाके फॉलो कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा कमाल की लगी वैनिटी, बहुत ही अच्छी लगी, मतलब कि ना आप काम के बाद आराम से सो भी सकते हो। तो आप लोग ना कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारी न्यू वैनिटी कैसी लगी, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छे से ट्रैवल करें ना तो हमारी साथ साथ हमारी पूरी टीम भी अच्छे से ट्रैवल करे। तो कमेंट करना जरूर भूलना, जरूर भूलना, जरूर कमेंट करना मत भूलना।